Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Question number 10, simplify. First part mein given hai a plus 2b minus 3c. Minus ka 4a, minus ka b, plus ka 2c. So students, first of all a wali values ko separate kar lenge. A minus 4a plus ka 2b minus ka b. माइनस का 3c और प्लस का 2c. तो स्टूडेंट्स अब हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, जो सबट्रैक्ट हो रहे हैं और जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे. अब स्टूडेंट्स जिस भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मौजूद ना हो उसके साथ 1 मौजूद होता है. तो स्टूडेंट्स 1 में से 4 माइनस करें तो ये माइनस का 3a आ गया, प्लस का 2 है और माइनस का यहां पे स्टूडेंट्स b के साथ 1 मौजूद है. प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का b आ जाएगा. लास्ट में नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है तो माइनस का c आ जाएगा. आई एम अगेन रिपीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट्स इसमें a वैल्यूज को सेपरेट कर लेना है. a वैल्यूज थी हमारे पास a माइनस 4a और b की वैल्यूज है प्लस का 2b माइनस का b और लास्ट में हमारे पास c की वैल्यूज है माइनस का 3c प्लस का 2c. अब सबट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, जो सबट्रैक्ट हो रही है और जो ऐड हो रही है वैल्यूज उनको ऐड कर देंगे. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3a प्लस का b और माइनस का c. स्टूडेंट्स जिसके साथ कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो, कोई भी नंबर मौजूद ना हो, उसके साथ 1 मौजूद होता है. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस का 3a प्लस का b माइनस का c. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में l प्लस m माइनस 3n. माइनस का m प्लस का 2l प्लस का 3n प्लस का 2n. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल l वाली वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, l प्लस 2l. अब m वाली वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, प्लस का m माइनस का m प्लस का 2m और लास्ट में हमारे पास n वाली वैल्यूज है माइनस का 3n और प्लस का 3n. तो स्टूडेंट्स जो प्लस m है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस m भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का m कैंसिल हो जाएगा और माइनस का m. और लास्ट में हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू थी माइनस 3n और एक प्लस 3n है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 3l प्लस 2n. स्टूडेंट्स जिस भी नंबर के साथ, जिस भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मौजूद ना हो उसके साथ 1 मौजूद होता है. 1 प्लस 2 3l और हमारे पास 2m बच गया था, बाकी की कैंसिल आउट हो गई थी वैल्यूज. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3l प्लस 2m. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने l वाली वैल्यूज को सेपरेट कर देना है, l प्लस 2l. देन m वाली वैल्यूज को सेपरेट करना है, प्लस का m माइनस का m. लास्ट में आपने n वाली वैल्यूज प्लस का 2m भी है स्टूडेंट्स, लास्ट में n वाली वैल्यूज है माइनस का 3n प्लस का 3n. तो स्टूडेंट्स प्लस का m और माइनस का m ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में. देन स्टूडेंट्स माइनस का 3n है और प्लस का 3n है, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लस का 3n भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 3l और प्लस 2m हमारे पास बचा था. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का 3l प्लस 2m. लास्ट है आपकी एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन. a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस का b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस का 1. तो स्टूडेंट्स एक प्लस प्लस में है 2a और एक नेगेटिव वैल्यू है 2a की, एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये भी हमारे पास माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया है. लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म बच जाएंगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और स्टूडेंट्स जो नंबर मौजूद है एक 1 मौजूद है, प्लस का 1 और लास्ट में प्लस का 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को प्लस का 2a प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस का b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस का 1.
अब स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव वैल्यू है 2a और एक नेगेटिव वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस का 2a कैंसिल आउट हो गया है और माइनस का 2a कैंसिल आउट हो गया है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री वैल्यूज फोर वैल्यूज बच गई है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस का 1 और प्लस का 1, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ए स्केयर माइनस का बी स्केयर। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स सिंगल टर्म्स मौजूद है, प्लस है 1 और प्लस 1, तो इनको स्टूडेंट्स ऐड करेंगे प्लस का 2, तो ये इसका आंसर आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8B हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8B देन यू विल कमेंट मी। इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज लाइक माय वीडियो। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स। अल्लाह हाफिज़।